हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डबल पॉइंट्स को स्टडी करने वाले हैं। डबल पॉइंट्स का क्वेश्चन हर साल जम्मू यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया करता है, तो डबल पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं और सुनते रहिए मेरी बात और डबल पॉइंट्स भी हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। डबल पॉइंट्स, ये वो पॉइंट है, ए पॉइंट, ठीक है। डबल पॉइंट क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है जो किसके ऊपर लाई करता है? कर्व के ऊपर। इन वर्ड्स को ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है किसके ऊपर लाई करता है? कर्व के ऊपर। कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व के ऊपर लाई करता है तब ही उसको डबल पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये, कभी कभी ऐसा होता है, अभी हम भी पढ़ेंगे, कर्व जो पॉइंट है वो कर्व से काफी दूर लाई करता है, तो वो इमेजिनरी केस हो गया, तो उसको भी स्टडी करेंगे। तो एक पॉइंट कर्व के ऊपर है, उसको डबल पॉइंट कब बोलेंगे? जब उस पॉइंट के ऊपर से कर्व की दो ब्रांचेस पास करेंगी। कर्व की कितनी ब्रांचेस पास करेगी? दो ब्रांचेस पास करेगी, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे डबल पॉइंट। मैं आपका अभी कंसेप्ट क्लियर करता हूं। ये आपने कर्व बनाई, ये मैंने क्या बना दी है? कर्व बना दी। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर है, क्या ये डबल पॉइंट है? ये डबल पॉइंट नहीं है, ये सिंगुलर पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि कर्व की एक ही ब्रांच चल रही है। ब्रांच मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कर्व, कर्व आप कैसे बना सकते हो? जैसे हमने थ्रेड ले ली और थ्रेड को टेबल के ऊपर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, रख दिया, तो वो कर्व हो गई। आप कर्व समझ सकते हो, जो थ्रेड की एक, थ्रेड का एक हिस्सा है ना, उसको ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है जो थ्रेड का, ये जो धागे का हिस्सा है, ठीक है, ये एक ही बार इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट डबल पॉइंट नहीं है, ये सिंगुलर पॉइंट है। और सिंगुलर पॉइंट हमारे सिलेबस में है नहीं, हम तो डबल पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। तो डबल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कर्व की दो ब्रांचेस पास होती है। तो डबल पॉइंट्स देखने में कैसे होंगे वो आप देख लीजिए, और कोई डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जैसे ये हमने कर्व बनाई, ये मैंने कर्व बनाई, ठीक है, इसके ऊपर मैंने इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अभी तक ये डबल पॉइंट नहीं बना। मगर अगर अब आप ध्यान से देखो इस कर्व को, मैं इस कर्व को वापस ऐसे, कर्व कहीं भी जा सकती है, क्लोज कर्व भी हो सकती है, ठीक है, इधर तक गई, ठीक है, फिर उसके बाद इधर से इधर आ गई और इधर इसने इसको कट कर दिया, ठीक है। जैसे आपकी कर्व ने इसको दोबारा कट कर दिया, अब इस पॉइंट के ऊपर कर्व की जो ब्रांचेस हैं वो क्या एक है ना? एक ये है, ठीक है, और एक ये है, दो ब्रांचेस आ गई। इस पॉइंट के ऊपर जो कर्व है उसकी कितनी ब्रांचेस आ गई? दो ब्रांचेस आ गई, दो ये, ठीक है, और ये, ठीक है। इनको चार नहीं काउंट कर सकते, मैंने आपको बताया ना, जो ब्रांच है वो एक बार जाएगी, जैसे ये बीच में एक पॉइंट है और ब्रांच इधर से जा रही है, तो जब जब ये ब्रांच जा रही है तो अगर ये एक ही बार इस पॉइंट को क्रॉस करेगी तो इसको और इसको दो नहीं काउंट करते, इनको एक ही काउंट करते हैं। तो एक बार ब्रांच कैसे चली थी मैं आपको बताऊं, ये कर्व ऐसे आई थी, एक ब्रांच ये होगी, फिर कर्व गई गई गई, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, इधर आई और फिर वापिस ऐसे निकल गई, दो ब्रांचेस है ना, ये दो ब्रांचेस है। तो अब ये जो पॉइंट है उसके ऊपर से दो ब्रांचेस पास कर रही है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? डबल पॉइंट बोलते हैं। तो इस पी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? डबल पॉइंट बोलूंगा कर्व के ऊपर। अब जो हमने इनकी फिगर्स पढ़नी है इस सेमेस्टर में वो कुछ इस टाइप की है, बड़ी सिंपल सिंपल सी फिगर है। देखो ज्यादातर टीचर ऐसे बनाते हैं, ज्यादातर टीचर कॉलेज में इस फिगर को दिखाते हैं, उनका मानना भी सही है, क्योंकि आपको जो आगे कर्व ट्रेसिंग करनी है उसमें ऐसे ही ग्राफ बनेंगे। तो देखो ये कर्व ऐसे जा रही है, पहले एक थ्रेड गई पॉइंट के ऊपर से, फिर ये थ्रेड वापिस आ गई, तो ये एक ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच, तो इस पी पॉइंट के ऊपर से दो ब्रांचेज आ रही है, तो ये पी पॉइंट डबल पॉइंट है। अच्छा, फिर कुछ टीचर इसी सेम फिगर को ऐसे भी दिखाते हैं, ये पॉइंट पी कर्व के ऊपर, ये ऐसे आई, ठीक है, और फिर ऐसे चली गई। अभी इस पॉइंट पी के ऊपर भी दो ब्रांचेस है, ठीक है, कितनी ब्रांचेस है? दो ब्रांचेस है, तो ये भी क्या है? डबल पॉइंट। क्लियर है? अब कभी कर्व इधर हो और पॉइंट इधर हो जाए तो कोई ब्रांच बनी ही नहीं, तो इमेजिनरी केस है या आयोटा वाला केस है। अब हम ये सारे केसेस को स्टडी करने वाले हैं इसी टॉपिक में, और वो हमारे सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डबल पॉइंट्स के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। डबल पॉइंट्स तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला डबल पॉइंट होता है जो आपने पढ़ना है नोड। क्या पढ़ना है? नोड, ठीक है। नोड एक ऐसा डबल पॉइंट है जब आप उस डबल पॉइंट के ऊपर क्या बनाओगे? टेंजेंट्स बनाओगे। देखो मैं आपको समझाता हूं, ये डबल पॉइंट है भी क्योंकि इसके ऊपर दो ब्रांचेस है। अब टेंजेंट्स बनेंगे ना,
ये देखो मैंने एक टेंजेंट ऐसे बनाया, ये एक टेंजेंट बनाया और एक टेंजेंट मैंने ऐसे बनाया, तो दो टेंजेंट बनेंगे ना। मैं अच्छे से बनाता हूँ फिगर, एक सेकेंड आप वेट करो। ये पी पॉइंट है, ये डबल पॉइंट है, ठीक है। एक टेंजेंट आपका बनेगा, मैं एक सेकंड आपको बना के बताता हूं। एक टेंजेंट ऐसे बन रहा है, ठीक है, और एक टेंजेंट आपका ऐसा बनेगा, ब्रांच ब्रांच के ऊपर, ब्रांच का टेंजेंट। तो आपको दो टेंजेंट दिख रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, और जो ये दोनों टेंजेंट दिख रही है बेसिकली लाइन है। वही टेंजेंट हमने अभी एजम्पटोट्स में पढ़े, एजम्पटोट्स भी लाइन थी। क्या ये दोनों सेम लाइन ही है? नहीं, ये दोनों डिफरेंट लाइन है। तो मैं इस केस में बोलूंगा कि इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारे टेंजेंट्स बन रहे हैं ब्रांचेस के ऊपर, जो मेरे टेंजेंट्स बन रहे हैं, ये जो ब्रांच के ऊपर एक टेंजेंट ऐसे बनेगा, ठीक है, और एक टेंजेंट ऐसे बनेगा। जरूर नीचे बनेगा, ये ऊपर से भी जा सकता है, मगर ब्रांच को कट नहीं करेगा, बाहर से ही जाएगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट्स जो दो बन रहे हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। मेरे को कैसे पता चला डिस्टिंक्ट है? एक इधर से जा रहे हैं, उधर से, तो डिस्टिंक्ट तो है। तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या है? डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स हैं, और ये दोनों रियल टेंजेंट्स हैं। रियल टेंजेंट्स क्या, कैसे मान लूंगा? आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रा कर पाओगे, वो मैं सिखाऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो जब किसी डबल पॉइंट के ऊपर से दो टेंजेंट मिले और वो दोनों डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, तो ऐसे डबल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, ठीक है। तो नोड एक ऐसा डबल पॉइंट है, ऐसे मैंने नोड बनाया, इस पॉइंट को मैं डबल पॉइंट तो बोल लूंगा क्योंकि दो ब्रांचेस हैं। और ये नोड क्यों है? क्योंकि इस पे जो एक टेंजेंट बना, जो इस पे एक टेंजेंट बना, वो ऐसे बनेगा इधर से, और दूसरा टेंजेंट कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। और ये दोनों टेंजेंट आपस में सेम नहीं है, अलग है। तो अगर एक डबल पॉइंट के ऊपर दो डिफरेंट टेंजेंट्स बने, और तो उस डबल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। उस डबल पॉइंट को, पर्टिकुलर डबल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। फिर दूसरी टाइप हमारी है कस्प। कस्प क्या है वो भी देखो। ये जो पॉइंट पी है, अब ये डबल पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर से दो ब्रांचेस पास कर रही है। अब ब्रांच कैसे पास की है? पहले कर्व इधर आई है, फिर रुक गई है, फिर कर्व इधर से वापिस चले गई है आगे, ठीक है। तो ये जो पी पॉइंट है, सॉरी, ये डबल पॉइंट है। अब इस पे जो टेंजेंट बनेगा, इस पे जो टेंजेंट्स बनेगा, तो वो देखना वो कैसे बनेंगे। मैं एक सेकंड आपको बता रहा हूं, मेरे को एक सेकंड फिगर अच्छे से बनाने। तो ये पी पॉइंट है, टेंजेंट के लिए कलर अलग ले लेते हैं। तो देखो ये जो टेंजेंट बनाया मैंने, ये जो टेंजेंट बनाया, ये एक जो लाइन है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये इस ब्रांच का भी टेंजेंट है और इस ब्रांच का भी टेंजेंट है। अलग अलग थोड़ी बने, एक ही टेंजेंट बना। अगर आप इसका बनाओगे ऐसे बनाओगे, इसका बनाओगे तब भी ऐसे बनाओगे, वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगे। और एक दूसरे के ऊपर लाई करने को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। तो अगर जो टेंजेंट्स हैं वो कोइंसिडेंट टेंजेंट्स हैं, मतलब सेम टेंजेंट्स हैं, जो टेंजेंट्स हैं वो क्या बन रहे हैं? सेम टेंजेंट्स हैं। तो ऐसे डबल पॉइंट को हम कस्प बोलते हैं। अगर किसी डबल पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट्स बन रहे हैं वो डिफरेंट है, तो वो डबल पॉइंट नोड होता है। अगर किसी डबल पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट्स बन रहे हैं वो सेम है, तो ऐसे डबल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कस्प बोलते हैं। थर्ड केस हम पढ़ेंगे कंजुगेट। कंजुगेट वो वाला केस आ गया जो मैंने आपको तीसरा बताया था, कर्व इधर से जा रही है और पॉइंट बाहर है। अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है ही नहीं, तो ऐसा भी कोई केस आ सकता है। तो उसको नाम देने के लिए हमने उसको क्या नाम दे दिया? कंजुगेट। तो कंजुगेट कब पता चलेगा वो बाद की बात है। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया नोड और कस्प का क्या डिफरेंस है। कभी भी मैं नोड वर्ड यूज करूं तो आपके दिमाग में फिगर ऐसी आनी चाहिए, कभी भी मैं कस्प वर्ड यूज करूं तो आपके दिमाग में फिगर ऐसी आनी चाहिए। आई होप आप क्लियर कट इन चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था आपका डबल पॉइंट्स की डेफिनेशन, डबल पॉइंट्स की टाइप्स, जो अभी जम्मू यूनिवर्सिटी हमें सेमिस्टर फर्स्ट में पढ़ने को बोल रही है। अब मैं आपको एक रूल करवाने वाला हूं, जिस रूल से आप डबल पॉइंट्स निकाल सकते हो। वो रूल क्या है? सबसे पहले आपको कर्व दी होगी,
सबसे पहले आपको क्या दी होगी, कर्व दी होगी, उसके बाद आप क्या करो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालो और उस कर्व में डेल एफ बाई डेल वाई निकालो, ठीक है। फिर आप क्या करो तीसरे स्टेप में डेल एफ बाई डेल एक्स को इक्वल टू जीरो कर लो और डेल एफ बाई डेल वाई को भी इक्वल टू जीरो कर लो। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालो, जो एक्स और वाई की वैल्यूज है उनको फाइंड करो। फिफ्थ स्टेप में वो जो पॉसिबल पॉइंट्स बन रहे हैं एक्स और वाई के वो लिख लो, जैसे सपोज एक्स और एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, वाई की वैल्यू टू आ रही है, तो पॉसिबल पॉइंट्स बनेंगे जीरो वन, एक्स जीरो वाई वन और दूसरा बनेगा जीरो टू, ऐसे ऐसे करके जितनी बन रही है वो सब निकाल दो। फिर जो ये पॉसिबल पॉइंट्स है, इन पॉसिबल पॉइंट्स में से हमें चेक करना है कौन डबल पॉइंट है। डबल पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोल रही थी, डबल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट डबल पॉइंट तभी होगा जब ये कर्व के ऊपर लाई करेगा, और कोई भी पॉइंट अगर कर्व के ऊपर लाई करेगा तो वो कर्व की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिक्स पॉइंट में जो ये पॉसिबल पॉइंट्स निकालने हैं, देखो विच पॉइंट सेटिस्फाई द कर्व, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, कर्व को। कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अगर ये पॉइंट रख के मैं कर्व में एक्स डालूं जीरो और वाई डालूं वन और लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये ढूंढ लो। जो सेटिस्फाई कर रहा है वही उसका डबल पॉइंट होगा, ठीक है, जो सेटिस्फाई कर रहा है वही उसका क्या होगा, डबल पॉइंट। तो वो निकाल के रख लो। सेवंथ स्टेप में क्या करो, सेवंथ स्टेप में डी निकालो। अब ये डी डिस्क्रिमिनेंट नहीं है, टेंथ क्लास वाला, ये डी ऐसी नोटेशन है। और इस डी में क्या करो, ये डी का फॉर्मूला क्या है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर निकालो और माइनस कर दो किसके साथ, डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू इंटू डेल टू एफ बाई डेल टू डेल वाई टू के साथ। तो ये सॉल्व करो, ठीक है, और डी निकाल दो इस इक्वेशन से, ठीक है। उस डी, जो भी डी आएगा, डी कुछ भी आएगा, जो भी डी आएगा, ठीक है, उस डी में वो वाला पॉइंट डालो जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, और वो पॉइंट डालने के बाद अगर आपका डी ग्रेटर देन जीरो आए तो वो जो पॉइंट है वो नोड है, वो जो पॉइंट है वो क्या है, नोड है। अगर आपका डी इक्वल टू जीरो आए तो वो जो पॉइंट है वो कस्प है, वो जो डबल पॉइंट है जो आपने निकाला है वो क्या है, कस्प है। और अगर आपका डी लेस देन जीरो आ जाए तो वो जो आपने डबल पॉइंट निकाला है वो बेसिकली आपका क्या है, कंजुगेट है। वो जो आपका डबल पॉइंट निकाला है वो बेसिकली क्या, आपका कंजुगेट है। अब ये जितना भी प्रोसेस है ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है, इसलिए मैं अभी ही इसके साथ आपको एक इसका क्वेश्चन करवाता हूँ, और ये जो मेथड है ये भी बताऊंगा ये आप कब पेपर में कब लगाना है, ठीक है। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आज के इस लेक्चर में मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। और ये जो क्वेश्चन है सिंपल तो है, और ये जम्मू यूनिवर्सिटी में 2016 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन लिख दो, क्या क्वेश्चन है, शो दैट या इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो इससे भी इजी है, आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है, पहले वही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स, डबल पॉइंट्स ऑन कर्व। तो कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये कर्व है। आपको इसके ऊपर जो इसका डबल पॉइंट है उसकी पोजीशन और नेचर चेक करनी है। अगर आपको डबल पॉइंट अच्छे से समझना है तो स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को, इसके आने वाले दो तीन लेक्चर्स को सबको आराम से देखिए और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर देख के मत आपको प्रिस्क्रिप्शन बनाना कि हमें समझ नहीं आ रहा है। तो जो फर्स्ट लेक्चर होता है उसमें हर जो भी टीचर होता है वो हर एक टॉपिक नहीं कवर कर सकता है, मगर मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको जो यूनिवर्सिटी का मैथ जिसमें अक्सर बोल सकते हैं बच्चों के 12 बज जाते हैं वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो कोशिश तो मेरी पूरी है, अब आगे आप देख लो कि आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कर्व है, तो सबसे पहला स्टेप है आप इस कर्व को एफ ऑफ एक्स वाई लेट कर लो, ये कर्व आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करो, डेल एफ बाय डेल एक्स निकालो,
मैंने आपको यही बोला स्टेप में, डेल एफ बाई डेल एक्स पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ए बार, इधर कितना आ गया टू एक्स। फिर आप क्या निकालो, डेल एफ बाई डेल वाई निकालो, डेल एफ बाई डेल वाई कितना आ जाएगा टू वाई। फिर पॉसिबल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर पॉसिबल पॉइंट्स निकालने के लिए पुट करो डेल एफ बाई डेल एक्स को जीरो, कितना आ रहा है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स ले लो कॉमन, पहले तो माइनस उठा लो, तो कितना आ गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स ले लो कॉमन, कितना आ गया थ्री एक्स प्लस ट्वाइस ए इज इक्वल टू जीरो। एक्स किसके बराबर आ रहा है जीरो के, और जो थ्री एक्स है वो किसके बराबर आ रहा है ट्वाइस ए के, और इससे एक्स कितना निकल रहा है ट्वाइस ए बाई थ्री। तो ऐसे ऐसे आपको एक्स के पॉइंट्स भी निकाल देने हैं, और फिर साथ में इसको भी क्या पुट कर लेना है जीरो के बराबर डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे ऐसे आपको वाई के पॉइंट्स भी निकाल देने हैं। तो जो मैंने आपको प्रीवियस पेज में समझाया, अच्छा वो इसी पेज में था, वो क्या था बेसिकली, सबसे पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो, फिर उनको इक्वल टू जीरो कर लो और ये पॉइंट्स निकाल लो। अच्छा अभी तो पॉसिबल पॉइंट्स क्या बन रहे सॉरी बेसिकली मेरे को खांसी लगी हुई है, पॉसिबल पॉइंट्स क्या बन रहे, जो पॉसिबल पॉइंट्स है वो क्या बन रहे हैं जीरो जीरो, और क्या बन रहे हैं एक्स ट्वाइस ए बाई थ्री और वाई जीरो। अब इन दोनों पॉसिबल पॉइंट्स में से वही डबल पॉइंट है जो कर्व के ऊपर लाई करेगा, मेरे कैसे पता चलेगा, जीरो जीरो उठा के मैं कर्व में डालूंगा, ये कर्व है, एक्स को भी जीरो डाल दिया वाई को भी जीरो डाल दिया, सेटिस्फाई कर गया, तो जीरो जीरो कर्व के ऊपर है तो ये डबल पॉइंट है। दूसरा क्या है, एक्स को ट्वाइस ए बाई थ्री वाई को जीरो डाला ये जीरो, और ट्वाइस ए बाई थ्री डाला तो कोई जीरो नहीं बना, तो इसको बस एक ही सेटिस्फाई कर रहा है कौन जीरो जीरो। तो मैं लिखूंगा ओनली पॉइंट करके नहीं बताना है, रफली चेक करना है, पेपर में भी रफली ही चेक करना है, ओनली पॉइंट जीरो जीरो सेटिस्फाइज द कर्व, अगर जीरो जीरो ही सेटिस्फाई कर रहा है तो देयरफॉर जीरो जीरो आपका क्या है डबल पॉइंट। तो आपने डबल पॉइंट निकाल दिया, डबल पॉइंट हमारे इस केस में कौन है जीरो जीरो। अब आपको इसकी नेचर चेक करनी है कि ये नोड है कस्प है या कंजुगेट है, तो उसके लिए मैंने वो क्या बोला था डी निकालना है, ठीक है। और डी में क्या क्या यूज हो रहा था, डी में पहला चीज यूज हो रही थी डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई, ये यूज हो रहा था। इसको कैसे लिखते हैं, डेल बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई, ये आपको सब सिखाया होगा, डेल बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई कहां है, ये आया आपका डेल एफ बाई डेल वाई, वो कितना टू वाई, तो डाल दो इधर टू वाई, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो पार्शली तो आएगा जीरो, डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू, तो ये आया आपका डेल एफ बाई डेल एक्स। इसको दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वाइस ए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वाइस ए। फिर आपके पास क्या पूछा है उसने डी निकालने के लिए, डेल टू एफ बाई डेल वाई टू, ये आपको हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, डेल टू एफ बाई डेल वाई टू, तो डेल टू एफ बाई डेल वाई टू, ये डेल एफ बाई डेल वाई कितना टू वाई, आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो टू आ जाएगा। अब क्या करो, अब जो पॉइंट है उस पॉइंट पे इनकी वैल्यू निकालो, तो एट जीरो जीरो जिसको आपने डेल वाई निकालना और उस पे इनकी वैल्यू निकालो, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, तो वो कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन में है ये जीरो तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर आ गया डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू, एक्स को भी जीरो डालो वाई को भी जीरो डालो, तो एक्स को जीरो डाला ये उठ गया, वाई को जीरो डालो तो कितना आया वो ट्वाइस है, वाई तो है ही एक्स उठ गया। अब आया डेल टू एफ बाई डेल वाई टू, उसके अंदर ना एक्स है ना वाई है तो वो तो हमेशा टू ही रहने वाला है, तो मैंने पॉइंट पे भी वैल्यू निकाल दी। अब क्या निकालो, अब डी निकालो, और डी क्या आपका डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू डेल टू एफ बाय डेल वाई टू, यही डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई को होल स्क्वायर, तो वो आ गया जीरो स्क्वायर, डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू कितना आया माइनस ट्वाइस ए और ये आया टू, और आपने जब इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट से ये आ गया आपका फोर ए, तो डी आपका फोर ए आ रहा है। और मैंने अब आपको केस बताए थे, मैंने क्या बताया था, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, देन जो आपका डबल पॉइंट है वो नोड होगा, तो अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो दिस इंप्लाइज
जो 4a है वो भी ग्रेटर देन 0 है, 4 तो पहले ही पॉजिटिव है तो इसका मतलब a को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। 4a ग्रेटर देन 0 का मतलब है 4a की आंसर पॉजिटिव आ रहा है, 4 तो पहले ही पॉजिटिव है तो a को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, जो 0 0 है वो क्या है, नोड, ठीक है। और d ग्रेटर 0 से कब है, जब a 0 से बड़ा है, तो हमारे पास क्या कंक्लूजन बना, हमारे पास कंक्लूजन बना जो 0 0 है वो इस क्वेश्चन में नोड है, कब, जब a 0 से बड़ा है। दूसरा केस मैंने आपको बताया था, अगर आपका d इक्वल टू 0 आ रहा है तो देन 0 0 क्या है, कस्प है, 0 0 क्या है, कस्प है। अगर d इक्वल टू 0 है तो 4a भी इक्वल टू 0, तो a भी इक्वल टू क्या है, 0। तो हमारा दूसरा केस क्या बना कि जो ये डबल पॉइंट है 0 0 वो कस्प है, कब, फॉर a इज इक्वल टू 0। और तीसरा केस क्या है, अगर d लेस देन 0 आ रहा है तो देन जो हमारा इस केस का डबल पॉइंट है वो ओरिजिन है, वो हमारा क्या है, कंजुगेट, ठीक है। और जब d लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब 4a भी लेस देन 0 आएगा, और 4 तो पॉजिटिव है, इसको लेस देन 0 नेगेटिव होने के लिए a को भी क्या बनना पड़ेगा, लेस देन 0। तो इसका मतलब जो हमारा 0 0 है वो इस केस में कंजुगेट कब होगा, कंजुगेट कब होगा, जब a आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा था नेचर चेक करो, तो नेचर किस पे डिपेंड कर रही है, a पे। नोड कब है, जब a ग्रेटर देन 0, कस्प कब है, जब a इज इक्वल टू 0, और कंजुगेट कब है, जब a लेस देन 0। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, पॉइंट्स तो हमारे बिल्कुल ठीक आए, ठीक है। नोड कब है, जब a ग्रेटर देन 0, कंजुगेट कब है, जब a लेस देन 0, ठीक है। और हमारा कस्प कब है, हमारा कस्प कब है, जब a इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा भी वही केस आया होगा। तो ये आपका डबल पॉइंट का पहला कंसेप्ट है। अब स्टूडेंट्स, ये जो मेथड हमने किया, ये मैं आपको कल के लेक्चर में भी करवाऊंगा, ठीक है, आराम से करवाऊंगा। ये मेथड आपको हर क्वेश्चन में नहीं लगाना होता है, ये कब कब लगाना है, कैसे कैसे लगाना है, वो डिटेल हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में डबल पॉइंट्स के लिए इतना ही, सारा कंप्लीट डबल पॉइंट्स कराऊंगा, उसके बाद हम कर्व ट्रेसिंग में आ जाएंगे। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे होंगे, अगर आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो स्टूडेंट्स, आज के डबल पॉइंट्स के लेक्चर